हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑल इन चैनल। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं द हेनरी स्टिकमैन कलेक्शन। गाइस इस गेम में क्या होता है, ये जो बंदा है इसको हमें चोरी सिखानी है, बेसिकली इसे हमें चोर बनाना है और ये रॉबरी करना चाहता है एक बैंक में, बैंक से काफी ज्यादा माल पानी लेना चाहता है। तो ये चॉइस इस वाली गेम को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो भाई साहब सब्सक्राइब कर देना, लाइक तो कर ही दोगे। आज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर हम अपने बैंक में आ चुके हैं, जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ भी दिख रहा है, और ये है अपना हेनरी, और इस हेनरी को इस वाली बॉल को तोड़ना है। और भाई साहब यहाँ पे हमें कुछ 6 ऑप्शंस मिल चुके हैं, जो कि है शवल, एक्सप्लोसिव, टेलीपोर्टर, लेजर, ब्रेकिंग बॉल एंड डिस्गाइज। एंड भाई ये सारे ऑप्शंस का यूज करके मेरे को ये बॉल कैसे भी करके तोड़ दिया। अब भाई मेरे को देखो ऐसा तरीका अपनाना है, क्योंकि हम बैंक को बेसिकली बैंक में चोरी करने जा रहे हैं, तो ऐसा बूम बड़ाम करके तो चोरी होगी नहीं। तो एक्सप्लोसिव तो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, एंड टेलीपोर्टर काफी ज्यादा तगड़ा ऑप्शन लग रहा है, शवल ये एक तगड़ा ऑप्शन नहीं है, और लेजर भी यहाँ पे तगड़ा ऑप्शन नहीं है। देख रहे हो आवाज कितनी ज्यादा कर रही है। ब्रेकिंग बॉल तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। सबसे सही ऑप्शन मेरे को लग रहा है यहाँ पे डिस्गाइज। डिस्गाइज में देख सकते हो यहाँ पे बैंक बना हुआ है, बैंक नहीं बना हुआ, डॉलर का साइन बना हुआ है, इसके अंदर हम बैठ के जा सकते हैं। तो मैंने डिस्गाइज सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे भाई मैं बोरी बन के बैठ चुका हूँ, और यहाँ से गाड़ी गई, बट उसने अरे रोका रोका। How did we lose one? I think we should throw it in the back, just to be safe. भाई इनकी वॉइस क्या मस्त है, वो कह रहा है यहाँ पे शायद हमने कुछ छोड़ दिया है, और बैंक यहाँ पे दिख चुका है। Bank out here? Well, I think it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. ओपन हो गया गेट, एंट्री हो गई, एंट्री हो। देखते हैं भाई क्या हुआ। अब फिलहाल तो हम यहाँ पे एंट्री हो चुके हैं और अपना हेनरी अंदर आ चुका है, बट अरे पकड़ लिया भाई, लेजर ने पकड़ लिया भाई को। अरे ला भाई हो गया, काम हो गया। पहली बार मेरे को पता था मेरे को हगना तो जरूर है। यहाँ पे हमें रिट्राई करना पड़ेगा, देख सकते हो डिस्गाइज तो कहीं पर भी काम नहीं आया। अब मेरे को शायद टेलीपोर्टर यूज करना चाहिए, ये बेस्ट रहने वाला है ऑप्शन। तो आ जाओ, यहाँ पे हमने टेलीपोर्टर इस्तेमाल करा और अब भाई दीवार ला भाई दीवार में जाके फंस गया। ये ऐसे ऐसे गुंडा बनाएंगे क्या हम इसे? मैं सोच रहा हूँ ना, क्या कहते हैं, सीधा मुंह बड़ाम करते हैं, ब्रेकिंग बॉल इस्तेमाल करते हैं। आ जाओ भाई, लेट्स गो। अबे इतना इस पे कहाँ से आ गया ये? लाया कहाँ से ये? लाया भाई पुलिस वाले ने देख लिया, हो गया, खेल हो गया। गया भाई गया पुलिस, लाया भाई फेल हो गया भाई। देयर इज नो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल फॉर टुडे, मतलब भाई आज कंस्ट्रक्शन शेड्यूल नहीं थी, मतलब शेड्यूल हो जाती तो काम हो जाता, हो जाते घुस जाते बैंक में, भाई बिल्कुल नहीं होता ऐसा। आ जाओ रिट्राई करते हैं। अब मेरे को शायद लेजर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आ जाओ लेट्स गो, लेजर इस्तेमाल करते हैं और हट जा वहां से। मैंने बोला इसे हट जा वहां से, गया भाई उसी के नीचे गया। इससे नहीं होने का भाई, इसको इसको समझाना पड़ेगा ढंग से। अच्छा ये प्रो लोग है ना यार, ये इसमें से कोई भी ऑप्शन काम नहीं करने वाला, मैं भूल जाता हूँ। कोई नहीं, आ जाओ यहाँ पे शवल इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लोजिव हम लास्ट में इस्तेमाल करने वाले हैं। बिल्कुल डोरेमोन की तरह निकाला है इसने, और भाई ने खोदना शुरू कर दिया है, और नीचे एक टंग सी आवाज आई। यहाँ पे एक मेटल का गैस मेन, भाई ने लाइटर भी जला दिया, ले हो गया काम। भाई दिखता नहीं है क्या, गैस पाइपलाइन है वहां पे, और लिखा है नेवर डिग स्ट्रेट डाउन। भाई सही बात लिखा है, बिल्कुल सीधा कभी नहीं खोदना चाहिए, बात माइनक्राफ्ट में भी लागू होती है। और अब फाइनली हम चूज करने वाले हैं एक्सप्लोसिव, जिसका कि आप सभी काफी देर से वेट कर रहे थे। तो आ जाओ, ओह भाई पूरा गया, बूम भाई साहब पूरा बैंक उड़ा दिया, और ये भी फेल हो चुका है यार, ये सारे फेल हो गए भाई, कोई भी काम नहीं आने वाला। अब हमारा देख सकते हो पहला ऑप्शन खुल चुका है, एपिसोड खुल चुका है, बेसिकली एस्केपिंग द प्रिजन, इसको हमें एस्केप करना है, और उसके बाद आने वाला है स्टीलिंग द डायमंड, उसके आगे अभी तक मैंने खोल के नहीं देखा है। तो आ जाओ फटाफट से यहाँ पे प्ले करते हैं और देखते हैं हम इस प्रिजन को कैसे एस्केप कर पाएंगे। भाई मजाक उड़ा रहे हैं पुलिस वाले उसका, बट उसको कुछ उन्होंने पैकेज दिया है। We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What? Yeah, yeah. Of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job, and I don't want to lose my job. See you around. Guys, अभी सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे हेनरी को एक केक दिया गया है, जिस केक में से हमें मिले हैं कुछ इतने सारे 6 ऑप्शंस, टोटल 6 ऑप्शंस मिले हैं, और यहाँ पे मेरे को शायद ये गेट और ये विंडो, इनमें से ही कुछ करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा,
तभी हम शायद इस प्रिजन से एस्केप कर पाएंगे। तो मेरे को सबसे सही ऑप्शन यहाँ पे फाइल का लग रहा है। फाइल से हम आराम से, समय लगेगा बट हाँ, काट काट के निकल जाएंगे, बट यार ये काफी ज्यादा साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस रहेगा तो इसलिए इसको हम नहीं चूज करेंगे। यहाँ पे मैं टेलीपोर्टर चूज करने वाला हूँ। मेरे को पता है पिछली बार ड्रामा हो गया था टेलीपोर्टर से, इस बार हम दोबारा से टेलीपोर्टर चूज करने वाले हैं। बाहर आ गया, बाहर आ गया। अबे यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है फायरिंग की। ला भाई गया अपना हेनरी, ऐसे ही चला गया फायर में ही बेचारा। ये ना, ये वो हेनरी वो बंदा है जिसको ऐसे आगे कर देते हैं चेक करने के लिए। ले भाई गोली चेक कर ले, चल रही है नहीं चल रही, ये वो बंदा है। फिलहाल यहाँ पे मेरे को एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल में तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, फाइल इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरे को लेजिट ऑप्शन लग रहा है, साउंड मेकिंग है बट कोई नहीं। ये केक में से निकल कहाँ से रहा है पहले मेरे को बताओ। और फिलहाल गाइस हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें सेल डोर ओपन करना है इस फाइल से या फिर विंडो। आई थिंक सो हमें विंडो ओपन करनी चाहिए, गेट के बाहर से ही वो आए थे, हो सकता है गेट के बाहर ही वो पहरा दे रहे हो। लॉजिक लगा कर देखो, कुछ ऐसी सीन बनता है। विंडो से हम आसानी से जा सकते हैं। आ जाओ गाइस, खोल दिया। अरे भाई मेरे को कौन बताएगा ये 50-60 फ्लोर पे है भाई। अभी जो उसमें देखा था स्क्रीन में तब तो छोटा सा लग रहा था। ला भाई खेल हो गया, अब तो शायद मेरे को सेल डोर ही चूज करना पड़ेगा। तो आ जाओ सेल डोर को ओपन करते हैं। काटना शुरू कर दिया अपने हेनरी ने, और एक तरफ से काट दिया, दूसरी तरफ से भी खत्म करके काट दिया। ओए ओबे भाई, भाई ने सीधा गुद्दी पे ही लात दिए, हाथ से नहीं मार सकता था शायद। वहां पे ना यार कुछ क्लिक करने का आया था, मैं रिट्राई करता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे को क्लिक क्लिक क्लिक, गुद्दी पे, और यहाँ पर भी क्लिक। ओ भाई पीछे ऐसे करके उन्होंने निपटाया भाई, दोनों गए। और ये ऐसा दिखा रहे हैं तुक्के में ही काम हो गया। अरे आगे से पुलिस वाले दोबारा आ गए आवाज सुन के। और अपना हेनरी कहाँ चुका है? हेनरी यहाँ कैसे आया भाई? हेनरी यहाँ कैसे आया? फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है बेल्ट ऑफ ग्रेनेड्स और चेयर, तो आई थिंक सो चेयर लेना चाहिए हमें, क्योंकि चेयर से हम ऊपर जा पाएंगे। आ जाओ चेयर चूज करते हैं। और क्या मैंने करेक्ट ऑप्शन चूज किया है? हाँ भाई करेक्ट ऑप्शन चूज किया, और अभी मेरे को ऑप्शन दे रहा है लेफ्ट या राइट, तो मैं लेफ्ट से लिखता हूँ, तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा। कोई लॉजिक नहीं बना बट हाँ हम यही काम करने वाले हैं। हेनरी कोई शायद उससे आ रहा है, स्मोक पाइप से। अरे भाई सीधा इनकी गया भाई। सीधा उनके लॉन्च में गिर गया जहां पे उनकी मीटिंग चल रही थी, और खत्म भाई, गुड बाय। अभी एक ही ऑप्शन चूज बचा है, बेल्ट ऑफ ग्रेनेड्स, इसे हम चूज करते हैं। और ग्रेनेड हाथ में ले लिया भाई ने। अरे अंदर ही आ गया। What the? अबे चूज क्या करना था, अंदर ही आ गया वो तो। इसमें से कोई भी नहीं है क्या यार? अच्छा मेरे को राइट वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा तभी जाकर बात बनेगी। ला भाई खेल हो गया। ये लो भाई राइट वाला ऑप्शन चूज कर लिया, अब ठीक है, अब शांति हो गई तुम्हें। ओह अच्छा इसने ये वाला टुकड़ा टूटा, मेरे को लगा गया हेनरी और ये वाला ऑप्शन सही था। अब देखो गाइज यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है, हमें जाना है, ये बिल्कुल टॉप फ्लोर पे है जैसा कि आपको पता है, हमें इससे नीचे जाना है। तो नीचे जाने के लिए कुछ तगड़े वाली चीज हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पैराशूट यहाँ पे सबसे ज्यादा डिसेंट और तगड़ा ऑप्शन मेरे को लग रहा है, तो पैराशूट ही हम चूज करने वाले हैं। चल चल खोल भाई, खोल गिर जाएगा। खोला ला भाई, क्या क्या सामान था उसमें, गया। ला भाई मर गया अपना हेनरी, स्कैम हो गया। ओ क्या मस्त आवाज आ रही है, सुनो। प्लंजर्स जेट पैक ले लूँ क्या? जेट पैक ट्राई करते हैं, मुझे पता है जेट पैक से होने नहीं वाला बट हाँ एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या ही जाने वाला है। ला भाई ओ उड़ गया। कहाँ ओ भाई वापस वहीं आ गया जहां पे पहले था। ले भाई हो गेम काफी ज्यादा बढ़िया यार, जिसने भी लाइक नहीं करा जल्दी से लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब भी कर ही देना। ऐसा जो रेड कलर का बटन आ रहा है ना उसे इस रोप की तरह ग्रे कर दो। तो आ जाओ हम रोप को इस्तेमाल करने वाले हैं, रोप काफी ज्यादा तगड़ा ऑप्शन हो भाई, ये तो काफी महंगी रोप थी। अरे भाई कोई और चीज ले लेता, हाथ जल गए भाई के। ऑफ कोर्स यार जलने थे। जिंदा है भाई अपना हेनरी, जिंदा है। इतनी खुशी, उड़ा के ले गए यार भाई को। अब शायद प्लंजर्स ही बचा है, तो हम प्लंजर्स को आज इस्तेमाल करते हैं भाई। अच्छा चलो अच्छी बात है, इसने इसको चेक करा और भाई उतर के तो आ रहा है यार, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। आजा 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 यार, क्या ही नेक्स्ट लेवल।
फाइनली हमने स्नीकी एस्केप का टाइटल ले लिया है और फाइनली हमने बाय हमने एस्केप द प्रिजन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब आ चुका है एपिसोड नंबर 2 स्टीलिंग द डायमंड। आ जाओ गाइस इसको देखते हैं। यहाँ पे गाइस हम यही वाला डायमंड चुराना है जो कि आपको दिख रहा है। भाई टीवी में अपना हेनरी कुछ ना कुछ देख रहा है और इसके दिमाग में फिर से कोई खुरापात आ चुकी है और यहाँ पे प्रिजन गार्ड को लेकर टेस्ट सब्जेक्ट। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, देख सकते हो गाइस। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कैसे जाए, बस्ट इन करके जाए या स्नीक इन करके जाए। और आई थिंक सो स्नीक इन करके जाना काफी ज्यादा मैंडेटरी है यहाँ पे, क्योंकि बस्ट इन करके नहीं जा सकते भाई, रात का समय है, खोपड़ी गुद्दी खोल देगा हमारी। आज स्नीक इन करके हम यहाँ पे आ चुके हैं और अपना हेनरी यहाँ पे आ चुका। भाई मैंने सही ऑप्शन चूज करा। यहाँ पे हमें जंबल हॉपर चाहिए, एंटी ग्रेविटी कैप चाहिए, हमें टॉप पे जाना है। शायद वो टॉप पे ही होगा ऐसा कुछ, या फिर श्रिंकिंग रे पिकेक्स। पिकेक्स ट्राई करते हैं एक बार, आ जाओ पिकेक्स से देखते हैं। ओहो भाई इसका रेफरेंस देख रहे हो, पिकेक्स से क्रीपर आया और क्रीपर तोड़ के अंदर। बट यार अभी वो हमें यहीं से देख रहे हैं, अभी उनका ध्यान नहीं गया है, बट मैं उन्हें देख रहा हूँ यहाँ से। और भाई यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन चूज करने हैं जिसमें कि टाइमिंग का भी खेल है। मैं गन चूज करूंगा, आ जाओ भाई गन चूज करते हैं, निपटा इनकी गुद्दी खोल ले। यार इसका कुछ काम ही नहीं करता भाई, इसका कुछ ही नहीं काम करता। अभी मेरे को लेना चाहिए मिसाइल ले ले, नहीं बॉम्ब ले ले भाई, बॉम्ब से। मैं हर बार गलत ही ऑप्शन की चूज करता हूँ, कहीं पे सही पे करता हूँ तो आखिरी में गलत चूज करता हूँ। प्लेन चूज करते हैं। ले भाई प्लेन बिल्कुल भी लेजेंड ऑप्शन नहीं है, देखो तो। ओए पूरा डायमंड भाई, भाई भाई चल अंदर चल। अरे एरो वगैरह आया था यार वहां पे, मैंने क्लिक नहीं कर पाया। आगे दोबारा से चलो 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 चलो। देख लिया भाई ने। खेल कर दिया भाई के साथ। अब मेरे को शायद इस वाले रूम में जाना पड़ेगा। ये ले भाई आजा, रेट्रो रूम में हम इस समय घुस चुके हैं और यहाँ पे ये डायमंड मिल चुका है। इस गेट को ओपन करके अंदर जाने के लिए हमें मिले चार ऑप्शंस, एलियन, क्रोबार, मशरूम या गुड बॉल। मैं गुड बॉल चूज करता हूँ, ये शायद पोकेमोन का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है, पोकेमोन बॉल लग रही है बेसिकली, तो आ जाओ इसको ही चूज करते हैं। ओ भाई क्या ये ओपी यार, 90s वाली गेम की फील आ गई भाई। यहाँ पे अपने हेनरी ने फेंका और गड़बड़ गड़बड़। ला भाई एरर यार, ओए 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 गया 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 गया। ओ भाई 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 भाई, भाई। मैं डर गया था मेरा सिस्टम सही में क्रैश तो नहीं हो गया। रीट्राई भाई, ये गुड बॉल भाई क्या ही बैड बॉल है भाई ये बिल्कुल। आओ क्रोबार चूज करते हैं, यहाँ पे हमें क्रोबार मिल चुका है, पता नहीं कहाँ से मिला बट हाँ क्रोबार मिल। ओ भाई कहीं का लीवर था जिससे कि हमारे ऊपर क्रैब्स आगे गिर गए। अरे यार अब मशरूम बचा है तो मशरूम को चूज करते हैं और मशरूम से हम बंद हो गए। मारियो का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया और भाई अपना हेल्दी बिग लाइट से बड़ा हो गया है। और यहाँ पे अंडे उंडे रखे हुए हैं जो कि क्रैक होके, ओ भाई ओ कुछ भी हो रहा है, कुछ भी। डायमंड उठा भाई ने, डायमंड ले लिया है, ले लिया। बट यार किसी ने इसके कैनन चला के, इस बंदे ने कैनन मारी है भाई, पूरे एक नाश हो गया यहाँ पे। सर यू माइट वांट टू कम लुक एट दिस भाई, अभी शायद इनके हेडक्वार्टर पे इंफॉर्मेशन पहुंची है, कोई हेनरी नाम का बंदा आकर के इस पूरे एग्जीबिशन का जिसमें डायमंड रखे हुए थे उसका भूत बना दिया है भाई। देखते हैं क्या इनका रिस्पांस रहने वाला है, फिलहाल सुनते हैं इनकी बात। भाई ये बंदा बैड ऐसा भाग गया, इंस्ट्रक्शंस दे के भाग गया उसे। अभी हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस मिले हैं, ये हो ऐसे हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। अभी हमें चार ऑप्शंस मिले हैं, ये 0% है यहाँ पे और यहाँ पे है सेटिंग का ऑप्शन, सैटेलाइट, न्यूक्लियर वेपन। हम न्यूक्लियर वेपन सिलेक्ट करेंगे, दबा दो बिल्कुल ऐसे करके। और यहाँ पे स्कैनर हो चुका है, क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन ने फोड़ आ रहा है यार, वो सारे ही फोड़ दिया भाई। बस न्यूक्लियर वेपन था, मैं भी खच्चर ही हूं ना, कोई नहीं। हम चूज करेंगे इस बार सेटिंग को, देखते हैं सेटिंग से क्या होता है। भाई रोबोट आ गया,
कर दे खत्म कर दे सबको भाई, पूरी दीवार काट मारी भाई ने। और तू क्या कर रहा है, तू तो कुछ कर, उठा उसे, डायमंड वहीं पड़ा है। एमरजेंसी एग्जिट या फिर डायमंड, क्या चूज करेगा अपना हेनरी, देखते हैं भाई। भाग भाग भाग, हो गया, एस्केप हो गया भाई। रोबोट थैंक यू ब्रो, तूने हमें डायमंड एस्केप। डायमंड तो मिला नहीं यार, बट डायमंड मिला या नहीं कोई बताएगा मेरे को। अरे यार डायमंड नहीं मिला, बट यार ये कंप्लीट कैसे हुआ, हमें डायमंड नहीं मिला तो। अबे डायमंड फेंक के मारा उनने रोबोट ने। यो फाइनली जस्ट प्लान एपिक, बाय बाय बाय। अपना हेनरी के लिए एक लाइक जरूर बनता है। तो गाइस हमने प्रोलॉग पार कर लिया, एंड पार कर लिया एपिसोड 1, एंड पार कर लिया एपिसोड नंबर 2। अगर इस वीडियो पे आते हैं पूरे के पूरे 300 लाइक, तो मैं लाने वाला हूँ एपिसोड नंबर 3, जो कि होने वाला है इन्फिल्ट्रेटिंग द एयरशिप। ये चीज करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड आपको ये हेनरी की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, होपफुली अच्छी लगी होगी। एंड अच्छी लगी है तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करके जाओ, इट मीन्स अ लॉट। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।